प्रभु ईसा मसीह में प्यारे बच्चों, यीशु, अभी हम एक नया अध्याय शुरू कर देते हैं। अध्याय 11, इम्माऊस अनुभव। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हे प्रभु ईसा मसीह, आपका पुनरुत्थान का अनुभव कई लोगों को कई प्रकार हुआ था। इम्माऊस जा रहे शिष्य अपने जीवन का सारा आनंद और सब कुछ खोने के बावजूद निराश होते हुए जैसे आगे बढ़ रहा था, तो आपकी उपस्थिति के द्वारा आपने उनके राह पर प्रकाश फैलाया, उनके मार्ग को प्रशस्त किया और उनके मन का अंधकार दूर करते हुए आपने धर्मग्रंथ समझाया। हे प्रभु, आज हमें भी अपने मन का अंधकार दूर करते हुए आपके धर्मग्रंथ का प्रत्येक सच्चाई को समझाने की कृपा प्रदान करें। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, इम्माऊस अनुभव हर एक ईसाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी ने धर्मग्रंथ में इस पाठ को पढ़ा है। यरूशलेम से करीब 4 कोस दूर इम्माऊस नामक एक गांव की ओर प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु के बाद 2 शिष्य जा रहे थे और वे लोग रास्ते में इन सभी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे और उनका मुख मलिन था, धीरे धीरे प्रभु ईसा मसीह उनके साथ जुड़ गए, लेकिन वे लोग प्रभु को पहचानने में असमर्थ रहा। प्रभु ईसा मसीह उनसे पूछते हैं, आप किस बात पर चर्चा कर रही हैं? उन्होंने बताया, हम ईसा नाजरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभु ने पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने बताया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो इन दिनों में यरूशलेम में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानते नहीं हैं। बात ईसा नाजरी की है। हम सभी ने सोचा वह ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के भेजे हुए परम पावन हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे शास्त्री और भरीसियों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, मृत्यु को अपनाया। यह सब 3 दिन पहले की बात है, लेकिन आज सवेरे कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया। सुबह सुबह जैसे वे लोग कब्र पर पहुंचा तो उन्होंने ईसा का शव नहीं देखा, बल्कि एक स्वर्गदूत ने उन्हें चेता बताया कि प्रभु ईसा मसीह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। इस बात को देखते हुए हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु ईसा मसीह ने कहा, निर्बुद्धियों, क्या ये सब धर्मग्रंथ में नहीं लिखा है कि प्रभु ईसा मसीह को मृत्यु को अपनाना है, उसके बाद 3रे दिन जी उठना होगा? प्रभु ने उन्हें मूसा से लेकर नबियों के हवाला करते हुए सभी बात समझाने लगते हैं। धीरे धीरे वे लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना था और करीब संध्या हो रहा था। लग रहा था कि प्रभु ईसा मसीह आगे बढ़ने वाले हैं, तो शिष्यों ने उनको बाध्य किया, सांझ हो रही है, हमारे साथ रह जाइए। प्रभु ईसा मसीह उनके साथ घर के अंदर चला गया। प्रभु ने रोटी तोड़ते हुए आशीष की प्रार्थना पढ़ी, तब शिष्यों की आंखें खुल गई और उस समय प्रभु उनके सामने से ओझल हो गए। जब शिष्यों ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह हमारे साथ धर्मग्रंथ समझाते समय हमारा
हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था। यही एक अनुभव इमाउस के शिष्यों के जीवन में हुआ है। प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं शिष्यों के साथ में। तो वे लोग सबसे पहले निराशा में थे, उनके मन और उनका चेहरा मलिन थे, वे संकट में थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मूसा से लेकर नबियों की बातों को उनको समझाया तो उनका मन में खुशी छा गई और वे लोग अपने मन को उद्दीप्त कर दिया। इस प्रकार धर्म ग्रंथ की व्याख्या से निराशा में रह रहे उन शिष्यों के जीवन में आशा आ गई है। उस अनुभव से शिक्षा ग्रहण करते हुए हमारे पवित्र बलिदान में भी वचन शुश्रूषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मिस्सा में वचन शुश्रूषा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वहां पर बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और सभी प्रकार के गीत और सब प्रकार के प्रार्थनाओं के साथ हमें वचन सुनने के लिए तैयार करते हैं। और विशेष रूप से इस प्रार्थना में यही बताए जाते हैं कि किस प्रकार हमें धर्म ग्रंथ को अपनाने के लिए तैयार रहना है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदाय और दिव्य आदेशम की मधुरवाणी ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रार्थना हमें पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। हमारे मिस्सा में, हमारे पवित्र बलिदान में पंचग्रंथि का एक पाठ, नबियों से लिया हुआ दूसरा पाठ और तीसरा पाठ पत्र से लिए जाते हैं और आखिरी में सुसमाचार का पाठ हुआ करते हैं। और प्रत्येक पाठ हम सभी का मन को खुशी प्रदान करने के लिए, हमारे मन को उद्दीप्त करने के लिए और हमें ईश्वर के वचन से स्वयं उत्तेजित होने के लिए आग्रह करते हैं। इसके अलावा पवित्र बलिदान में प्रभु ईसा मसीह की उपस्थिति को भी महसूस करते हैं। पवित्र बलिदान में हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान तक की सारी घटनाओं की याद करती हैं। पवित्र बलिदान प्रत्येक ईसाई का क्रिस्तीय जीवन का आधार है। पवित्र बलिदान में हमें प्रीति भोज भी होते हैं और उस भोज में प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को हमें भोजन और पेय के रूप में दिया जाते हैं और उसमें प्रभु ईसा मसीह, जीवंत प्रभु ईसा मसीह की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। और यही पवित्र मिसा और पवित्र बलिदान, पवित्र कुर्बाना जो कि हम सभी के जीवन का आधार है। इस पवित्र बलिदान में हम जब भाग लेते हैं तो हमारे सारे निराशा, हर प्रकार के मुसीबत और हर प्रकार की पाप और पाप की जो वासनाएं हैं सब दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार हम आनंद में पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह में सहभागी हो जाते हैं। पवित्र बलिदान में पवित्र शरीर एवं रक्त में संपूर्ण रूप से जीवंत ईश्वर विराजमान है। प्रभु ईसा मसीह की उपस्थिति है। प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए जो प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं वे प्रभु ईसा मसीह को अपनाते हैं और अपना जीवन का आधार बनाते हैं। आइए हम प्रभु ईसा मसीह के इस पुनर्जीवित अनुभव को अपनाने के साथ साथ इस पाठ के में दिए गए सवालों का हल ढूंढ लेते हैं। पहला सवाल यही है, इम्माऊस जा रहे शिष्यों की चर्चा का विषय क्या था? इम्माऊस जा रहे शिष्यों की चर्चा का विषय
प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग, क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान आदि थे। दूसरा सवाल, इमाउस की ओर गए शिष्यों की आंखें कब खुल गईं? प्रभु ईसा मसीह जब उन शिष्यों के साथ घर के अंदर गया, भोजन के लिए बैठे, रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और तोड़कर उन्हें दे दिया, तब शिष्यों की आंखें खुल गई और वे समझ गए ये प्रभु ईसा मसीह है। तीसरा सवाल, जब ईसा ने पवित्र वचन की व्याख्या की तब शिष्यों को क्या अनुभव हुआ? ईसा मसीह पवित्र वचन की व्याख्या करते हुए उनके साथ जब चला तो शिष्यों का मन और हृदय उद्दीप्त हो रहे थे। चौदह सवाल, क्रिस्तीय जीवन का केंद्र क्या है? पवित्र बलिदान क्रिस्तीय जीवन का केंद्र माने जाते हैं। पांचवा सवाल, पवित्र कुर्बाना यानी बलिदान और परम प्रसाद में प्रभु ईसा किस प्रकार विद्यमान है? पवित्र बलिदान और पवित्र परम प्रसाद में प्रभु ईसा मसीह जीवंत रूप से उपस्थित है। आइए बच्चों, हमने अनुभव किया कि प्रभु ईसा मसीह का वचन किस प्रकार इंसान को नव जीवन प्रदान करते हैं, विशेष रूप से पवित्र मिसा में, पवित्र बलिदान में हम किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को, पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हैं। हम उस अनुभव में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय यीशु।